क्या है ह्यूमन कंपोस्टिंग, इंसानों के शव से कैसे बनता है खाद, अमेरिका में प्रचलित है इंसानी शव से खाद बनाने की परंपरा, इको फ्रेंडली का जमाना है, हर इंसान हर देश इको फ्रेंडली चीजों को अपनाना चाहता है, लेकिन क्या आपने इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार के बारे में सुना है? अगर आप भारतीय हैं तो शायद ही इस बारे में सुना होगा। तो ये जान लीजिए कि अमेरिका के कुछ राज्यों में इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार का प्रचलन जोरों पर है, जिसे अमेरिका के कुछ और राज्यों के साथ न्यूयॉर्क ने भी अब अनुमति दे दी है। इसमें इंसानी मृत शरीर को कंपोस्ट कर इससे खाद तैयार किया जाता है, जिसे ह्यूमन कंपोस्टिंग कहा जाता है। अमेरिका में इसे ग्रीन डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन कंपोस्टिंग में इंसान के मृत शरीर को नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे शव खाद में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में महज 30 दिनों का वक्त लगता है। इसमें मानव का शव सॉफ्ट टिश्यू यानी नरम उत्तक में बदलकर खाद बन जाता है। जाहिर है अब आपके मन में ये जानने की रुचि हो रही होगी कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। इसमें वुड चिप्स, अल्फाल्फा और पुआल का इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी शव को इस मिश्रण के साथ एक चैम्बर में रखा जाता है। करीब 30 दिनों के भीतर इसमें मौजूद माइक्रोब्स इसे उपजाऊ मिट्टी में यानी खाद में बदल देते हैं। मानव शरीर से खाद बनाने के इस तरीके को काफी सेफ माना जाता है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इसमें काफी हद तक रोग पैदा करने वाले जीवाणु खत्म हो जाते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके में संक्रमण फैलने की भी आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे मौत होने के बाद उस मृत शरीर से खाद नहीं बनाया जा सकता है। इस परंपरा की शुरुआत 2019 में वाशिंगटन से हुई थी। ये राज्य ह्यूमन कंपोस्टिंग को मंजूरी देने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना था। इसके बाद ओरेगन, वर्मोंट, कैलिफोर्निया, कोलोराडो के नाम शामिल हैं। अब न्यूयॉर्क इस लिस्ट में छठा नाम जुड़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका में ये इतना लोकप्रिय क्यों है? दरअसल एक अनुमान की माने तो यूएस में तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन शमशान के लिए बनाया गया है। वहीं ताबूत और शव को रखने के लिए बनने वाले ताबूत में करीब 40 लाख एकड़ जंगल में बने पेड़ खत्म हो जाते हैं। साथ ही शव पर लेप लगाने में 8 लाख गैलन लेप जमीन में समा जाता है, जिसे जमीन के लिए हानिकारक माना जाता है। इन्हीं सब परेशानियों और नुकसान से बचने के लिए अमेरिका में ह्यूमन कंपोस्टिंग का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया के प्रचलन में आने से नेचर लवर्स तो काफी खुश हैं, लेकिन इंसानी शरीर के साथ इस तरह के वर्ताव को लेकर विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।